हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल महेंद्र और ट्रांड्रेड के में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइक का माइलेज किस तरह से सेट किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गाड़ी का जो इंजन है उसको स्टार्ट कर लेता हूं। तो मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया है। माइलेज को सेट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यहां पे आपको दो पेज दिखाई दे रहे होंगे जिस पर मैंने पेचकस की नॉब रखी हुई है। दोस्तों, ये जो स्प्रिंग वाला जो पेच होता है वो RPM का होता है। इसके साइड में दूसरा वाला जो छोटा वाला पेच होता है वो जो है आपका फ्यूल और एयर का मिक्सर पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, माइलेज सेट करने के लिए हमारा जो RPM है उसको हम ज़्यादा कर देंगे। तो ये जो मैं क्लॉक वाइज टाइट कर रहा हूँ इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे जिससे कि माइलेज को सेट करने में हमको दिक्कत ना हो। दोस्तों, मैंने गाड़ी का जो RPM है वो यहाँ से बढ़ा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो मिक्सर पॉइंट होता है आपको वो जो है धीरे 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 टाइट करना है। लास्ट तक आपको जो है टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, गाड़ी जो बंद होने की कंडीशन में हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी की जो RPM कम हो चुकी है। दोबारा मैं इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है कि जो मिक्सर पॉइंट था उसको जो है आपको लूज करना है, धीरे धीरे से खोलना है। जैसा कि आप देख पाओगे कि इसकी जो गाड़ी की जो RPM है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती जाएगी। जहाँ पर आपको लगेगा कि गाड़ी की जो RPM है जो सबसे ज़्यादा हो जाए जिस पॉइंट पे, उसी जगह पर आपको मिक्सर पॉइंट जो है वो रोक देना है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, तभी आपको ये समझ में आ पाएगी। आप देख सकते हो गाड़ी की जो RPM है वो बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही है, धीरे 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 फिर और तेज होती जा रही है। जैसे आप देख सकते हो जहाँ पर आपको लगे कि RPM सबसे ज़्यादा हो वहीं पे आपको रोक देनी है, कम हो गई है। अब मुझे 19-20 के फर्क के लिए यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये RPM यहाँ पर सेट हो गई है। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि जो हमारा RPM वाला जो पेच होता है उसको हम धीरे 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 लूज करेंगे। अब हम RPM को सेट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी की जो RPM है उसको कम कर देंगे एक नंबर पे लाके। अब आप देख सकते हो गाड़ी का जो माइलेज है वो सेट हो चुका है पूरी तरह से। गाड़ी को का जो RPM है, जो पेच है, उसको उतना ही आपको लूज करना है जितना कि गाड़ी की जो कंडीशन है वो बंद ना हो। छोटी सी वीडियो थी, आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। तो दोस्तों, मैंने जो है माइलेज तो बढ़ाकर यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अगर अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि माइलेज जो है इस गाड़ी का बढ़ चुका है, तो इसके लिए आप क्या करना, आपको जो है स्पार्क प्लग को खोलना है। खोलने के बाद स्पार्क प्लग की जो नॉब होती है अगर वो व्हाइट कलर की आ रही है, वहाँ पे जो है ब्लैक ब्लैक नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी का जो माइलेज है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है। इसके साथ ही दोस्तों जो है, अगर आपके पास किसी भी कंपनी की 100 cc की बाइक हो तो आप इस टिप्स से बाइक की जो है माइलेज जो है 10 से 15 किलोमीटर तक आसानी से बढ़ा सकते हो, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकई हेल्पफुल थी या बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिन लोगों को इस टिप्स की ज़रूरत हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, जिसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।